क्वेश्चन था कि क्या स्टूडेंट्स अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल सर्वे की फाइंडिंग है, ग्राफ आपके सामने है, 5 पॉइंट्स हैं। ये जो कलर डाउन वाला कलर है डार्क, इसका मतलब है डेफिनेटली एनकरेज करते हैं टीचर, सबसे ज्यादा जो एनकरेज करते हैं अपने बच्चों को वो उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये कलर ये इंडिकेट करता है ब्लू वाला। उसके बाद प्रोबेबली एनकरेज, ये दो जो कलर हैं, ये हरे वाला और ये ग्रीन वाला, ये पॉजिटिव साइड है। उसके बाद मे बी एनकरेज, बाकी वाले डाउटफुल हैं, ये टॉप वाले नेगेटिव हैं। तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा ये ब्लू वाला कलर है किस कंट्री का हाईएस्ट है। दूसरा ऐड कर सकते हैं इसके साथ ये वाला ग्रीन वाला। ओके, तो टॉप पर कौन सी कंट्री आ रही है, इधर से शुरू करते हैं। हाईएस्ट जो है, जो डेफिनेटली एनकरेज्ड है, उसमें ये युगांडा जो सबसे ज्यादा आगे आ रहा है, ये वाला कंट्री। और सेकंड कौन आ रहा है, इंडिया। इट मींस इंडिया के स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट वर्ल्ड में इन कंट्री में से लगभग सबसे ज्यादा या सेकंड रैंक पर कर रहे हैं। अगर इसमें दूसरी भी, ये भी शामिल करनी है, प्रोबेबली एनकरेज सेकंड रैंक के करते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनकी एनकरेज करने की टीचर्स की, तो इसमें ये शामिल कर लिया जाता है। तो चाइना नंबर वन पर है, प्रोबेबली को ऐड करके ग्रीन वाला चाइना नंबर वन पर आ रहा है कि चाइना में स्टूडेंट टीचर्स की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सेकंड आ रहा है युगांडा और थर्ड आ रहा है इंडिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया में अगर वर्ल्ड के बाकी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो टीचर्स को रिस्पेक्ट स्टूडेंट से मिल रही है, जो मैं पीछे बता के आया हूं। तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा सकता है कि हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा, दूसरी तरफ इंडियन जिस कंट्री में भागते हैं, जाते हैं, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, मैं फेवर में हूं, क्यों जाना चाहिए ये बात डिफरेंट है। तो कनाडा है, देखिए कनाडा के स्टूडेंट्स उनके टीचर की रिस्पेक्ट इंडिया के मुकाबले कितनी कम कर रहे हैं। यहां पर कनाडा का लेवल है और ये इंडिया का लेवल है थर्ड वाला, इससे कंपेयर कर सकते हैं आप। ओके, कनाडा के बाद यूनाइटेड स्टेट में हमारे से ज्यादा जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट में स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं कनाडा से ज्यादा, लेकिन इंडिया से कम है। ये रहा इंडिया, ये रहा यूनाइटेड स्टेट, ये रहा इंडिया और ये रहा कनाडा। और इसके बाद किस कंट्री में हम भागते हैं, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में भी बहुत कम रिस्पेक्ट है स्टूडेंट के द्वारा टीचर्स की। और ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा न्यूजीलैंड, इतनी कम रिस्पेक्ट होती है। अगर ग्रीन वाला भी शामिल करना है तो इंडिया यहां पर जा रहा है इंडिया, ये देखिए। नेक्स्ट हम किस कंट्री को भागते हैं, यूनाइटेड किंगडम, है ना। ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा यूनाइटेड किंगडम, ये इतनी रिस्पेक्ट। इट मींस कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स से भी कम रिस्पेक्ट मिल रही है टीचर्स को यूके में। इसके अलावा कहां जाते हैं, इटली, कितनी कम है। और आगे इजराइल, ब्राजील, इसमें सबसे डाउन जो रिस्पेक्ट मिल रही है। तो स्टूडेंट से हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स को टीच करता है, उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, एक अच्छा मॉडल बन के सामने आता है, अपना बिहेवियर अच्छा शो करता है और सिर्फ सिलेबस नहीं पूरे करता, लाइफ के साथ उसको जोड़ता भी है। तो वो हर हालत में टीचर्स डे पर उनको विश करने की हक है कि वो हैप्पी टीचर्स डे बोल सके। नेचुरली सबसे इसमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कहां से मिल रही है, मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट से मिल रही है। किसको मिलेगी रिस्पेक्ट, जिसने दिया होगा, जो टीचर देगा उसी को वापस मिलेगा। ये तो इमीडिएट म्यूचुअल एंड लोकल रिटर्न है, नेशनल लेवल की बात, इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं है।